राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। मेरा एक दुविधा में हूँ महाराज जी। मेरी उम्र 55 साल हो गई है और अभी सर्विस में हूँ। बच्चों की शादी होती से मैं निवृत्त हूँ। एक बच्चे की शादी है, वो भी हो जाएगी समय से। और मेरे वृद्ध माता पिता हैं, पिताजी की उम्र लगभग 85-87 के आसपास। उनकी इच्छा रहती है कि वृंदावन में वास करें, और उनकी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि उनके साथ ही रहें। हाँ ठीक है। हम एक वो हमें नहीं बिन, हम उनके बिगर नहीं रह पाते हैं। तो शास्त्र के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, क्या वृंदावन में वास करना चाहिए या मैं जहाँ रह के नौकरी कर रहा हूँ वहीं पे से। आपकी बच्चे, आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं घर पे ही है। घर कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़। आपकी माँ वृंदावन वास करना चाहती हैं? पिताश्री जी की इच्छा है, पिताजी भी हैं, माता जी की इच्छा कम है थोड़ी। अच्छा, तो फिर पिताजी की इच्छा है तो वास कर लें, जहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाए स्थान वहाँ वास कर लें। आप लोग आना जाना बनाए रखिएगा जी। नहीं नहीं, हम आना जाना नहीं बनाएंगे, हम नौकरी छोड़ के यहीं रह लेंगे उसमें है। कौन सी नौकरी करते हैं? प्राइवेट जॉब में हूँ मैं। अच्छा ठीक है, फिर देख लीजिए। तो आपका अपना डिसीजन है। नहीं, शास्त्र के वृंदावन का वास तो उत्तम वास है, इससे वास, इससे श्रेष्ठ वास क्या है? उनकी इच्छा है तो अच्छी बात है, पर आपका देखो कि आपका भी ना बिगड़े, ना कुछ बच्चों का फ्यूचर ना बिगड़े, आपका भी। अगर ऐसी स्थिति मेरे सामने आती है जिस तरह कह रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? माता पिता को, या फिर ये भी हो सकता है कि माता पिता कुछ दिन आए वृंदावन रहें, कुछ दिन घर रहें, और घर में रह के ही बिहारी जी का चिंतन करते रहें जी। तो वहाँ रह के भी जो चिंतन भगवान का होता है वो भी ब्रजवास ही है। आप घर में हैं पर आपका मन वृंदावन में है, तो वो भी ब्रजवास है जी महाराज। बिल्कुल, आपके श्री चरणों में श्री राधे खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, हमें हमारा प्रश्न ये था कि मैं पहले गुरु मंत्र ले चुकी हूँ, अयोध्या जी के महाराज जी हैं, तो उन्होंने कान में मंत्र तो दिया था, लेकिन जो आप कथा में कहते हैं कि एक हाथ में चक्र और एक हाथ में शंख होना चाहिए, जो आप चिन्ह छोड़ते हैं, तो वो नहीं मिला है, तो क्या करें उसके? कोई बात नहीं, आप अपने गुरु जी से बात, वो तो शांत हो गए। तो फिर जो मंत्र मिला है जाप करिए, निश्चिंत, इसकी जरूरत नहीं है फिर। कोई बात नहीं, उनकी परंपरा में नहीं होगा, पंच संस्कार हमारी श्री संप्रदाय में है। लेकिन आपके कथा में सुने थे कि अगर शंख चक्र का चिन्ह नहीं होगा तो वैकुंठ में लिखाता नहीं है। नहीं नहीं, ये तो होता है, शंख चक्र दिया जाता है, धनुष बाण दिए जाते हैं रामानंदाचार्य परंपरा में, शंख चक्र का श्री परंपरा में, और जो श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है उसमें धनुष बाण दिए जाते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई कथा में सुने थे कि वो वैकुंठ में लिखाता नहीं, शंख चक्र का चिन्ह नहीं होता, तो हम पूछने वाले थे कि क्या दोबारा? कोई बात नहीं, दोबारा नहीं ले सकते। अब आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है, जाप करिए, भगवान के नाम से कल्याण हो जाएगा, वो सब चीजें भी ठीक है। आपकी कथा सुनती हूँ महाराज जी, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री राम महाराज जी। अपने राम महामंडलेश्वर महन श्री महादाजी त्यागी वृंदावन धाम से, उनके कृपा पात्र रमेश चंद, हमारी पत्नी श्रीमती पुष्पा राजपूत, ये छोटा नवासा, हम सब आपकी कथा सुनते हैं, भजन बहुत सुनते हैं। हमारे महाराज ने सब एक ही बात हमसे कही थी, रमेश सत्संग आवाज़ सुनना, क्योंकि इससे बुद्धि का बहुत विकास होता है। हमने वो चीज़ अपना रखी है और कथा से आपको बहुत ज्ञान मिलता है, कथा आपकी भी सुनते हैं औरों की भी सुनते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है। कथा से क्या सीखा आपने? कथा से क्या, देखो ये आदमी का मन बहुत बदलता है, जैसे आप बताते हो काम क्रोध बदलो, इसमें आदमी की उम्र के हिसाब से ना वैराग्यता आने लगती है, आदमी धीरे धीरे झुकाव परमात्मा में होने लगता है आदमी का। आदमी आदमी को समझता है, उसकी परेशानी बिना कहे समझने की कोशिश करता है आदमी, इस तरह के भाव आदमी आने लग जाते हैं, दूसरे की पीड़ा समझने वाली बात हो जाती है। सही। हाँ अच्छा, मेरा एक प्रश्न छोटा सा महाराज जी, कि जू शब्द लगाते हैं ना श्री राधा जू, ये जू शब्द का क्या अर्थ है? भाव है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, बोलने का ढंग है, श्री राधा जी श्री राधा जू। अच्छा, सबके अपने अपने भाव हैं, बोलने का ढंग है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। अच्छा जी, जू जी महाराज, 3 महीने दोबारा आपने बुला लिया, बड़ी मेहरबानी, कृपा बनी रहे हम के ऊपर, अपने राम के 2 पुत्र पुत्रवधु पोता पोते नवासे सब साथ हैं, सब पर कृपा बनाए रखिए महाराज। खुश राधे, धन्यवाद।